मार पण बार चारे मना पहले आगे दांतरो ही सासरो है मेरो ना बड़े वो सासरा में मैं आयडो साड़ा का ब्याह मेरे बड़े दुखाओ मैं वो आपने राजस्थानी गीत बाजियो जड़ जमनारो पानी की यहाँ लियाऊंगो रसिया पतली कमर मारी लुड़ लुड़ जाए और भी पतली कमर मारी लुड़ लुड़ जाए भी पर मारे 103 किलो की साड़ा एली जय नाची है बीत दिन से गीता से भरोसो उठ गो मेरो तुम तो ए आनंद का पल आता जीवन का माइक की व्यवस्था बहुत जोरदार है इसका बेस बहुत शानदार है क्योंकि ये जानते हैं बेबी को बेस पसंद है कुछ अफसरों को काम से ज्यादा केस पसंद है कुछ इंसानों को अमन से ज्यादा क्लेश पसंद है पर नमन है शेखावाटी के उन सैनिकों को जिन्हें जान से ज्यादा देश पसंद है उस पावन भाव को प्रणाम करते हैं ये पावन भाव में प्रणाम करते हैं कवियों का अति संक्षिप्त परिचय बताया चार लाइन को नहीं हुए मारवाड़ी जो खबर है ज्यादा ही हुए हमेशा ही मारवाड़ी खे बत्तों कदे मिले को नहीं पुराने टाइम में वह मारे दादू जी बिहार में रहता था वह बठे बिहारी उधार ले जाता वह तीन मान लियो तीन मना से 500 देगो ना दादू जी कहता 5 मना होगा भैया 5 मना को ब्याज दे दे वो कहते साहब 5 कैसे बोलो देख ले तू ही जोड़ ले काती मंगशिर पो एक मनो ओ और एक मनो बो तीन का चार चार का पांच तो अपन करना हुए को कोई खास होली में ही जनगणना रहा गुरु जी गया घर में आदमी तीन लोग लुगाई छोरो काड़ू तीन आदमी घर में अपन राशन कार्ड में मेंबर बढ़ाना था देखो की कलाकारी से नाम लिखा रहे लोग लुगाई घर में टाबर बोले लिख ले भैया एक तो मैं एक मारे बा एक छोरो काड़ियो एक काड़िया की माँ तो जो ये सारी मस्तियां हैं और बात यह कि ससुराल आ रहा है वजन तो ये मैं साड़ा साहब से बहुत लगा रखूंगा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन होती रहे जब मारे घराली मारे घर की पल पल की खबर बड़े देश के है तो मैंने भी बैठे में लेनी पड़े नहीं ताड़िया भाई बजारे जी का भी घराली पल पल की खबर आपके पीर दे रही है और समय की सीमा है कम समय में आपने बहुत ज्यादा आनंद और बहुत सार्थक जल पर कविता सब आनंद करना है अत्ता विराट व्यक्तित्व की उपस्थिति है अपने बीच मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब समझो ही थे भी कौन सा इंग्लैंड से आया नहीं तो मैं तो आगे नाम फ्रेंच भी सीख रही हूं तो जो आनंद का पल है और हंसी मस्तियां कणकण में बिखरी पड़ी है नहीं समझो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो मैं तो अंग्रेजी खूब जानू मैं थाने बताऊं आज ना ठीक है नहीं तो मैं आपने बताऊं जनरली आई नोट स्पीक इंग्लिश फॉर स्पीक इंग्लिश वेन आई फील सो मच मच मती इन माई डील Then I speak English very much, too much, so much, more much, how much, 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 much. Then why not some people say, please keep quiet, means don't do much, much. तो मारवाड़ी ठीक है आनंद का है पल जीवा आनंद तो आपने शेखावाटी में तो कण कण में तो बिखरियो पड़ियो है बा मेरे याद आओ बा घंटेल में आपने पता सी जाती अब मतलब मैं आपने बताऊं विशेष बात और संगा तो की है मैं देश भर में घूमियो दो चार विदेश यात्रा भी ये अपनी भाषा की वजह से प्रवासी में करी तो और जगह तो हंसी की बात पर हंसी हवा लड़ाई की बात पर लड़ाई हो जाए आपने शेखावाटी को आनंद है हंसी मन अत्ता शुद्ध है आपने लोगों का हंसी की कर लियो लड़ाई की कर लियो आनी अंत में हंसी है मैं तुम्हें बताऊं मैं घंटेल में पताशी दादी बात समझ जाओ तो आप कवि सम्मेलन में शुरू करेंगे पताशी दादी आपका पोता ने खिलाई बूढ़ी दादी हाथ से पोतो छुटको रोयो लागी बीजी मम्मी किचन में सपक पटकती आई बोली माँ जी आपने क्या किया बच्चे को गिरा दिया आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना सासू बोली बीनणी मैं तो निभा लूंगी तेरे से बोली नहीं बेगी बोली क्या नहीं निभेगी अम्मा आती बात कहूंगा आती थे समझ जाओ तो हरीश हिंदुस्तानी ने सुनवा लायक होगा सासू बोली ठीक है बीनणी फिर लड़ाई बराबर की है आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू तू आनंद आपने तो हर जगह आनंद बिखरे ही पड़े हैं वह हंसी मस्तिया का पावन पल है बहुत मन से आप सुन रहे हो आनंद तो अतो बिखरे पड़े हैं बार पांच चार दिन पहले हमारे बड़े नवलगढ़ में बरसात हुई झिरमिर झिरमिर बरसात को सब आपने रिश्ता में कब तो आनंद है
बरसात को सब हमारे पड़ोसन आई हमारे घर आई कर बोली भाणे एक बार माचिस ही दे बा बोले भाई माचिस तो बरसात में हल्ली होगी पर तू चला फड़िया परी आएगी तो भाई यहाँ कर 10 मिनट मारे सासू दिन ले जा माचिस जगह भी जाए है बास ते लगा रही अवे तो जिका आनंद है अपनी भाषा का वह आप जी रहा अब मैं आपने बताऊं वासुदेव जी भाई साहब सब घर परिवार का आप लोग हो बार बार मैं दो एक महीना पहले आप चूरू ब्याह में आयो भी विवेक के आज आयो ना वो बड़े मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नहीं गाड़ी लिया मिल गो आप स्टेयरिंग सीट पर करने घर वाली बैठी मैं घर विवेक कमाल ही कर दिया ब्याह के 2 महीना में ही बीन नहीं हॉस्पिटल थे गलत जगह हंस रहे हो वो बिकानी हाथ कर बोले बोले भाई जी के बताऊं माता निकले मैं हाथ जोड़ खयो मैं भैया आप आपका तकदीर है ले तो लुगाई हो माता के यहाँ निकले आशा का आनंद है मैं आपा जी रहा मात्र शक्ति अति विराट संख्या में उपस्थित है आपका ही त्याग ने मैं प्रणाम करूं कहीं तो सासुआ ने श्रुति थोड़ी थोड़ी आई जो आनंद आपा जी रहा समय की अपनी सीमाएं हैं हर व्यक्ति में बुद्धि और विवेक माँ शारदे की अनुकंपा से होता है माँ ही शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों बाद एक बार ये दुर्लभ मानव देह मिलती है और इस देह में जो व्यक्ति अपने कर्मों से ऐसे पावन कर्म जगत के लिए कर जाते हैं अमर हो जाते हैं ये सब उस माँ की कृपा है बाकी काम तो पशु भी सब करते हैं उठना बैठना सोना खाना पीना चलना पर यह बुद्धि है जो हमें मानव बनाती है जिस माँ की हम पर इतनी कृपा है उसकी हम वंदना करें माँ साहित्य का ये पावन मंच गोपाल दास मुक्ताकाश इस मंच पर 3 मिनट की ये पावन वंदना शास्त्र कहते हैं आज तक हम जितनी भी आरती वंदना सुनते हैं वो लिखी कवियों की होती है पर हम सुनते हैं गायकों द्वारा भजन गायकों द्वारा मंदिर में पंडित जी द्वारा बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है जब कवि की खुद की लिखी हुई कविता उनके श्रीमुख से ही सुनी जाए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे संयोग में उस वंदना की उस मनोकामना की फलीभूत होने की तीव्रता 108 गुना हो जाती है जब कवि सरस्वती वंदना अपनी लिखी करे और हम कोई मनोकामना मांगे तो 108 गुना ज्यादा उसके फलीभूत होने के आसार होते हैं वो पावन पल हम इस मानव देह में जिए 4 पंक्तियों के साथ मंच पर माँ की लाडली बिटिया डॉक्टर पूनम वर्मा जी बहन मथुरा से हमारे बीच विराजमान हैं उन्हें आमंत्रित करूं ये 3 मिनट आपका मन हो हंसे ताली बजाए मन हो आंख बंद कर ध्यान लगाए आप पर अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ नेचर पार्क के इस पावन शुभारंभ पर अपनी मनोकामना माँ के दरबार में भेजे उसके बाद आनंद की यात्रा शुरू करते हैं कहा है कि हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए और सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित बस एक आपकी मेहरबानी चाहिए आनंद की इस यात्रा को शुरू करते हैं कवि सम्मेलन कवि स्वतंत्र हो है, आनंद के लिए ही हो है, बहुत मर्यादित तो आनंद से ही करेंगा कवि सम्मेलन के रूप में ही ना सुनियो आनंद तो अब तो बिखरियो पड़ियो है वो मारे मित्र है विकास भी को वो बच्चों रोहित बार भी को रिजल्ट आयो ना भी का पापा पूछो बोले कितने परसेंट बने बोलो 90 बोलो मिठाई लाऊंगा भाई वो मार्कशीट भी ला मार्कशीट देखी तो अभी मैं 45% बोले अच्छा बाप से ही कलाकारी वो बोले बापू थाने के बरो थे पुराने टाइम का आदमी हो मोदी जी आएगा सारो काम ऑनलाइन हो गए है आई स्कूल ना आधार कार्ड से जोड़ती है 45% की सब्सिडी सीधी स्कूल में आवे की तो जिका आनंद आपा जी रहा बस समस्या कड़कड़ में बिखरी पड़ी है राजनीति बहुत मुश्किल काम है पर मारे तो बड़े अब के 20-22 MLA तैयार हो रही है 10-12 तो मन में पक्का हो रहे हैं 8-7 के बहन भी पाड़ मिले जय भाई स्कॉर्पियो घूमे है सारे दिन वो एक तो वो कोई साइकिल चुनाव चिन्ह ले है यूपी से जिसको बाद गांव में प्रचार करके घूमे वा दादी बैठी क्वार्ड में बिना हेलो मार्गो बोलो दादी साइकिल को ध्यान रख जे अब अपनी दादी से खावटी की बोलो दादी साइकिल को ध्यान रख जे दादी बोली भाई मन ने अति दूर ससू जा कौन तेरी का तालो दे दिया जिसका आनंद अपनी माटी में बिखरिया पड़े है कवि ने राजनीति से मैं मतलब भी कभी हंसी आनंद आप तक पहुंच है जो पावन भाव है एक बात और खे जो मैं हनुमन की गड़ा तक आईडी खरीद बे दादी कही ले की बर को ये कांग्रेस धक्का चढ़ को
वो दूर से ही जब हमारे गेट पर बोले बोले माजी वोट कांग्रेस में ही दीजो। माजी बोली भैया तू मैंने समझाए, मैं बूढ़ी लुगाई मैंने बेरो को तू मैंने समझाए। बोले मैं कहूँ वोट कांग्रेस नहीं दीजिए। बोले तू मैंने समझाए मैं कौन हूं, मैं वोट हूं कांग्रेस। दादी जी ना वो पता ही आग लाने वोट का तो कत्ता उम्मीदवार हो कत्ती भी मनोहर हो कत्ते भी के लिए प्रयास कर जाए कत्ती डिमांड हो आप अपने नेतो नेतो ही हो जो जवाब दियो भी के लिए भरपूर हंसी लीजियो और ताड़े ही लिए बजायो कि कांग्रेस ही कत्ती साची बात फेंको। बात दादी बोली बोली भैया मना समझाए मैं वोट हूँ कांग्रेस। वो बोलो माची ही जी कदिन तो वोट ही पण अब तो डोल कांग्रेस भी माड़ा हो रही है। तो जिका आनंद अपनी माटी में दिखे अपने बात ठीक ठीक लागे तो एक बार सही ताड़िया हो फिर उठे हसी आनंद अपनी माटी में है। और बीच बीच में मैं जल संरक्षण की कविता पढ़ते ही रहूंगा, मैंने प्रशासन का चेक भी ले लो। हाँ मैं सब आनंद का नाम आपा जी रहा हूँ। हसी मस्किया की पावन कड़ी ना आगे बढ़ावा आपने शेखावाटी को आदमी तो अतो कलाकार हुआ मैंने देश भर में चूरू तारा नगर अठेगा मिलता रहे बठेला सर हरा तो बड़ा नाम ही रतन नगर कर दियो जिसकी कलाकारी है वो आपने एक और है। आपने शेखावाटी में कोई बड़ी समस्या को नहीं भी है कि कजिया कश्मीर में पत्थरबाजी है दिल्ली में ओडीवन है आपने तो सब बड़ी समस्या मंत्री जी आ है। जल के लिए भी गीत के लिए थारे में विशेष बधाई लिए दूं कि वो जल संरक्षण को और जल स्वावलंबन को जो मंत्रालय है बिका मंत्री जी आपके सामने बैठकर सुन रहा है और आप वो गीत सुनायो हो। राजस्थान से देश को सबसे बड़ा प्रदेश है अपना ज्यादातर लोग गांव में बसे पंचायता में बसे और भी पंचायती राज का जो मंत्री महोदय है कैबिनेट मंत्री वह अपने बीच विराजमान है। यह अपना पावन पल है। मैं बता रहा हूँ आपने सब बड़ी समस्या है शेखावाटी में क्या आपने 1000 भाया पर 922 भाया बची बड़ा बड़ो गंडो काम हो रही मैं वो मारे गली में सुभाष 35 साल को हुए वो 5-7 साल में कोई 40 छोरिया रहा देख गया उसी देख तो जाए पर पलट रहा ना को जवाब ही बन गया। 3-4 दिन में वो सुभाष को बाप ही अखंड कुमारों कही अठे भी बैठे उसी पीड़ा है बाकी मतलब वो 3-4 दिन में सुभाष को बाप ही वापड़ो गणेश जी मनार फोन करे साहब के हाँ ना ही को नहीं बताई वन टाणलो रे बख जी मैं बार संबंध करा को नहीं मारी भाई आल पड़े वो खजी तो पढ़ो को कृषि मारे सुभाष को सो बांद्रो है भी की किताब फड़े है बार तो एक ना पहले तो का गली में बनोरी आई ना वो सुभाष को बाप बैठे ही खेदी हो बोलो देख रहे सुभाष आज गली में की का बाजा बाजे है। सुभाष के बाप लो 8-7 साल से भरियो बैठो बोलो जी जी काका माँ बाप समझदार है बाप का बात से मन में तो आई सोची उसी मन में तो आई सोची उसी जी काका नहीं समझ रहे बाप का बात जाके संखी बाजता है पीड़ा बहुत मारे वो राजेश 28 साल को वो भी को बापू कोई सगाई की बात ही कौन चल रही वो बाप को ध्यान दे रहा बात आई बाप ने कहो बोले बापू आपा भैंस लिया वहां तो भी को दूध गुड़ काटे बापू भी मस्करो बोलो खाई भी भूख काट दे बोलो बापू कड़े है वो तो बोलो भैंस लाबा का दाम टिकल है। तो जो आनंद अपनी माटी में बिक्रिया पड़िया है एक और आजकल आ रहा भी अब तो आज तो है आपने समझान भाई भाई अब का दिवाली ना मैं सीए थल ले मैं सारे घर की बदल दे आपको खर्चो कमावे ना मैं मारे माँ चौक में बैठे रहा बोली भैया नया लोटिया चाले है आपकी कती गारंटी आवे मैं फिर मां क्या की गारंटी है 6 महीना की गारंटी है मां बोली रे गणी भैया को लारी बेगणे की तो अति कौन रही है। एक और है आनंद जो पुत्र चाल रहे है पर मारे बड़े बिड़ोदी के मां ही भाई का कोला सब मारे भाई हुई है रमेश 38 साल को होगो बाप लो 35 ताई धीरज राखो अठे भी है के हाँ तो एक और कोई गांव का गुआड में स्मारक ही बनाओ भाई जी मैं तो देख रहा हूँ थारी अपनी श्रद्धा है तो देखो ही तो वो जो मैं थाने बताऊं वो मारे वो भाई लो रमेश 38 को होगो लाई 35 ताई धीरज राखो 36 ताई साथी कल्डी राखी 37 को होगो फिर 38 को बड़े अकोला से 2 लाख रुपए मिले बाप आपड़ी बड़ी भूख काटेड़ी पाठे आई गांव का मायर नाज का कोठा भरया देख चार दो भैंसा को दिनो देखो और भी तो 2-1 साल में ही पाण आई गया नहीं
मारवाड़ी सीट की 5-4 साल में बार दशेक त्रिपलिया बड़े एडपम पर पानी भरते लड़ली भी खातन से बा 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 भी अठे की भी से किया दबे बा भी ना बोली बोली बेर से ज्यादा बात मना करे अत्यान ने 10-15 लुगाया और बेड़ी होगी बा आपको ब्रह्मास्त्र छोड़ियो बोले के बड़ बड़ बात करे सारो गांव जाने 2 लाख में मोल ले आई डी है कूतर के क्या देखे भी को आनंद लीजियो बा बोली के मेरे से बड़ बड़ बोले है उनका चांसर आकर से जाने 2 लाख में मोल ले आई डी है बा बोली चीज का तो दाम लागे ही फोकट में आवे थारे जैसी दाम भी लागे महाराष्ट्र भी जानो पड़े नहीं फोकट में तो आसे पासे ही गई तो जिका आनंद आपा जी रहे हाँ वो शब्द तो चातुर्य है मैं चाहूं तो ये कवि सम्मेलन में बहुत गंभीर प्रवचन जिया को ज्ञानी बढ़ा सकूं पर जिया के आपने शेखा वाटी का जी नेचर है आपा मन से बस करा मैं सहरा में सिंगापुर दुबई बठिन गयो करियो तो मैं देखियो बठे पी सारा आदमी तो आनंद ले गरीब दुखी रहे आपने अमीरी गरीबी से मतलब ही को नहीं आपने तो मन में मस्ती का सॉफ्टवेयर है सके मैं मारे बड़े नवलगढ़ में वो रामदेव जी को मंदिर बड़े हेडपंप ला गिरो मैं 2 मोला की बाया पानी भरी भरती भरती लड़ ली भाई एक बोली मैं दर्शु पहले यार बा बोली मैं पहले आई बा बठे सारे ही वो बड़ को बरगद को पेड़ भी चबूतरा पर एक मंग को बैठो भिखारी 17-1 साल को दर मरेड़ो पांसड़िया चमके धोड़ी डाडी बदरी बोरी का घासिया पर बैठो भाई एक बोली बोली मेरो जोर साल है तो तेरे जिया की लड़ोकड़ी को ब्याई मंगता से करवाते बा दूसरी बोली राम जी से देखे कन्ने मिले को यहाँ को बरतार 5 मिनट में 5 ही राजी होगी एक ही मोला की तो भी एक दूसरा के सिर पर गड़ो दे रहला की जरा वो मंग तो खड़े हो बोले भाई मन ने देखो हो मैं रुकू चाहू आपने अमीर को मतलब नहीं बन आज मैंने बड़ो आनंद भी आ रही है चूरू में 10-15 साल में कोई अब तो बड़ो कवि सम्मेलन मेरी निगाह में हो नहीं और चूरू को मेरे पर ऐसा नहीं है आज तो टीवी में मना मैं 5-10 बार दिख जावा कदे कोई जी न्यूज पर कोई वार्ता पर क्या पर जीवन में पहली बार कोई मीडिया पर मायो तो बस चूरू आकाशवाणी हिंच की 15 साल पहले मैंने पहली बार बुलायो हो और एक आदत जो पड़ी हाँ देखियो शो आकाशवाणी पर लाइव फोटो मेरी को मेरे के सागे एक टेक्निकल विशेषता है मेरे पास 1 मिनट से ज्यादा चाकर भी सीरियस कुंदरी हो जाए इस चक्कर में तो मैं आज तक कदम कोई का बैठ भाई को नहीं गई जो आनंद का पल है सीधा सीधा आप हंसी मस्ती है जीवन का रस परिवर्तन करेगा आप चूरू का शेखा वाटी का मस्ती का लोग हो प्रेम का श्रृंगार का मनोहार का गीत सुनोगा और अपना कलेक्टर साहब भी अपने बीच आएगा है जिका व्यक्ति की बागे पीछे से भी प्रशंसा हो मैं थाने बताई और आपकी बताया बाजी बागे व्यवहार बाकी जिम्मेदारियां के लिए अब भी कोई आवश्यक जिम्मेदारियां प्रशासन की निभा कर आया है आपको विशेष मन हो कि जल पर कविता हुए कोई कार्य व्यस्त रिया पर जल पर बहुत अच्छा राजस्थानी कार गीत होएगा हुए तो आप कलेक्टर साहब ने कत्तो प्यार करो थारी जोरदार तालियां बजा कर आने एक बार आप बताओ और विनम्र और समर्पित व्यक्तित्व है और अब आपा बुलावा प्रेम का गीता के लिए शेखावाटी को आदमी प्रैक्टिकल हो बिन सब चीजों को बेरो रहा आज की थाने ताजा बात बताऊं मंत्री जी को एक अपना ढेर रतन नगर कोई वापी नौकरी करे हम वापी में मैं जातो रू बैठो एक भाई लागो फोन आयो आए गणेश जी बैठे पूरा देश में आज विसर्जन होया गणेश जी का ना बोले मैं दोपहर से मैं भी विसर्जन करवा गया और सुभाष भी गयो हाँ भी वापी आ रहा समुद्र में जू उतरिया वो भी उतरियो बात जाल आई पानी की जोर से जिको तो भी जाल का सागे ही होनी हो और वो आपने चुरू और वो सागे होता है बोले हे गणेश जी महाराज 1100 को प्रसाद चढ़ाऊंगा मेरा बाप बचा मेरा देवता जो आगे जो 2100 कर दिया बस जाल को नहीं है बाबा रिवर्स आवे पाछी जो 500 आयो और 511 पर और साकड़ायो 500 पर और साकड़ायो बोले महाराज 101 को पक्को अरे पीने यार लागियो कि अब तो दो ही पग एक ही पग में 12 मिल जाऊंगा जना बड़ा की नींद बदल गई बोले क्या कहा लाडू आनंद तो आप लीजियो भाई जाल रिवर्स आवे बाद पाछी तो पग टेको ही को नहीं पाछी आई ना बोले महाराज के तो बुरो मान का मैं तो पूछो क्या का लाडू मोती चूर का बूंदी का देसी का ढांडा का महाराज क्या का अपना जो कलाकारी अद्भुत है बस सारा पावन भाव आपा जीवन का अब ही टाइम रस बदलना तो चाहिए बार में तुम बताऊं मैं बढ़िया मारे लोहागर सारे ही लागे 30 किलोमीटर पर लोहागर में गुलाबगिरी जी बाबू जी है डोंगर का ऊपर मंदिर बा को ना बा हर मास को भंडारो करे भंडारा को नेम है कि सुबह रसोई बन जाए 11-11:15 बजे प्रसाद लाग जाए ना वो शंख बजा दे भक्त समझ जाए भाई रसोई तैयार है भाई डोंगरी से तो वो शुरू कर दे
दो तीन बजे कढ़ाया खाली हो जाए ना महाराज, पांच सौ शंख बजा दे, भक्त समझ जाए कि भाई माल पूरा होगा, वो पास आ जाए। अब क्या बाप परकमा लागे बैठे हमारे बात हुआ क्या माए जिको चारों मेर का हजारा ही श्रोता महाराज बनाए, कोई पांच सौ सात सौ को आदमी होगा, आठ सात हजार जना वो रसोया भाग रहा, बोलो महाराज वो माल खत्म हो, भरो शंख बजाओ। महाराज शेखा वाटी का बोलो आज शंख को पार को नहीं पड़ा, आज तो लठ बजाओ। तो टेम्पर जिको रस हो जाना चाहिए बहुत जाना चाहिए। अब प्रेम का जीत ही आपा सुनेगा माँ, आपने एक नई बात और बताऊ टिप्पणी जिगा के लिए लोगों को प्रेम मिले। टीवी में जितना नाटक आवे आजकल ये है का सावला का सेगर का तो सागे बैठ देख ही कौन सका, बिजली का बिल बेसी आ रहा है ऐसे ने लाए ने अलग अलग टीवी में देखना पड़ रही है। तो वो बाद में सब पावन आवे वो तारक मेहता रहो वो मैं हमारे टाबरा ने भी देखने दू, पर बिम भी मैं एक दिन ध्यान से देखो मैं मेरी पीड़ा थे समझ रहे हो तो बतायो। मस्ती इसलिए जरूरी है कि यूं तो हर शादी शुदा आदमी की जिंदगी पावन रामायण कुरान गीता होती है, पर हर जेठालाल के मन में एक जो आनंद का पल है।